बजेटरी कंट्रोल के अंदर हमको सिक्वेंशियली कुछ चीजें सीखनी है, जैसे कि देखो बजेटरी कंट्रोल में शुरुआत कहां से करनी है वो समझ लो। बजट किसको बोलते हैं? तो बजट के कुछ फीचर्स हैं। बजट का पहला फीचर क्या है? वो क्वांटिटेटिव है या फिर मॉनेटरी है। फिर वो क्या है? स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव और मॉनेटरी स्टेटमेंट, विच इज प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड। जिसको प्रिपेयर किया जाता है एक बंदों द्वारा, कुछ बंदों द्वारा, और उसको अप्रूव किया जाता है कुछ अलग लोगों द्वारा, और वो होता है इन एडवांस। वो एडवांस में बनाते हैं, मीन्स ये फ्यूचरिस्टिक होता है। एंड ये क्यों बनता है? फॉर सम पर्पस। ये बजट का डेफिनेशन है। सो इट इज क्वांटिटेटिव और मॉनेटरी। मीन्स बजट में आप देखो परचेज बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, ये सब क्वांटिटेटिव भी है और मॉनेटरी भी ढूंढ सकते हो। दूसरा क्या है? स्टेटमेंट है, मीन्स इट इज नॉट एन अकाउंट फॉर्म। फिर तीसरा क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन मेकिंग द बजट एंड इट इज अप्रूव्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। फोर्थ है इट इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस, मीन्स ये फ्यूचरिस्टिक है। एंड लास्टली उसका कुछ पर्पज होता है। अब बजट जो है आपके लिए कौन कौन से प्रकार के बजट है? तो सबसे पहले कोई भी कंपनी में जो सबसे पहला बजट बनता है वो बनता है सेल्स बजट। सेल्स बजट में आप क्या करते हो कि सपोज आपकी फिनिश प्रोडक्ट 1 है, फिनिश प्रोडक्ट 2 है एंड फिनिश प्रोडक्ट 3 है, और सपोज आपको उसका जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये क्वार्टर का बजट बनाना है। तो आप तीनों प्रोडक्ट का आप यहाँ क्वांटिटी लिखो, प्राइस लिखो, अमाउंट लिखो, क्वांटिटी प्राइस एंड अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस एंड अमाउंट, एंड फिर ये टोटल करो इधर क्वांटिटी एंड अमाउंट का। तो ये आपका जनवरी महीने का बजट मिल गया, ये फरवरी का मिल गया और ये मार्च का मिल गया, और यहाँ जो टोटल आएगा क्वांटिटी का एंड अमाउंट का, ये आपको ओवरऑल क्वार्टर का बजट मिलेगा। अब प्रोडक्ट वाइज, फिनिश प्रोडक्ट ए, फिनिश प्रोडक्ट 2 एंड फिनिश प्रोडक्ट 3। अब इसमें भी आप है ना एक और सेगमेंट ऐड कर सकते हो, क्या मालूम? एरिया, ज्योग्राफिकल सेगमेंट। फिनिश प्रोडक्ट 1 है, बट फिनिश प्रोडक्ट 1 का हम 3 फर्दर कॉलम बनाएंगे कि भाई बड़ौदा, अहमदाबाद एंड सपोज आनंद, और तीनों में क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, तीनों में क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। ऐसा आप चाहो तो फिनिश प्रोडक्ट वाइज मिल सकता है, आप चाहो तो बड़ौदा वाइज मिल सकता है, बड़ौदा में फिनिश प्रोडक्ट 1, फिनिश प्रोडक्ट 2, फिनिश प्रोडक्ट 3, ऐसा। तो ऐसा बन सकता है आपका बजट। तो इसको सेल्स बजट बोलते हैं। सेल्स बजट सबसे पहला बजट है, फर्स्ट बजट। सेल्स बजट के बेस पे सेकेंड बजट जो बनता है उसका नाम क्या है? प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट में क्या क्या आता है? तो भाई सबसे पहले आप समझ लो कि प्रोडक्शन एंड सेल्स दोनों किसका होता है? फिनिश गुड्स का होता है। और फिनिश गुड्स का सपोज मैं एक अकाउंट बना दूं तो उसके अंदर ओपनिंग फिनिश गुड्स होता है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स होता है, यहाँ फिनिश गुड्स प्रोडक्शन आता है एंड यहाँ फिनिश गुड्स सेल्स आता है। अब है ना सपोज 4 में से 3 मालूम है तो चौथा मिल जाएगा, मीन्स ओपनिंग एंड प्रोडक्शन एंड क्लोजिंग मालूम है तो सेल्स मिल जाएगा, ओपनिंग सेल्स एंड क्लोजिंग मालूम है तो प्रोडक्शन मिल जाएगा, ओपनिंग प्रोडक्शन सेल्स मालूम है तो क्लोजिंग मिल जाएगा, सेल्स क्लोजिंग एंड प्रोडक्शन मालूम है तो ओपनिंग मिल जाएगा। अब आपको जो प्रोडक्शन बजट बनाना है ना उसका फॉर्मूला ये है कि ओपनिंग मीन्स सेल्स यूनिट प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ऐसा। तो इसके फॉर्मेट में ऐसा आएगा, सेल्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स ओपनिंग फिनिश गुड्स बराबर एंड डी इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज वॉट? ए प्लस बी माइनस सी।
ये है आपका प्रोडक्शन बजट, बराबर है। और फिनिश गुड्स का ही प्रोडक्शन है, तो यहाँ कुछ इनपुट आउटपुट रेशियो वगैरह काम का नहीं है, बट जो हमारा सिक्वेंशियली थर्ड नंबर का बजट बनेगा ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे काम का भी है। उसका नाम है परचेज बजट। और परचेज किसका होता है भाई? रॉ मटेरियल का होता है। अब फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल में कुछ रिलेशनशिप है जिसको इनपुट आउटपुट रेशियो बोलते हैं। रॉ मटेरियल में से इनपुट एंड फिनिश गुड्स में से आउटपुट। सो ये दोनों का जो प्रोपोर्शन है उसको इनपुट आउटपुट रेशियो बोलते हैं। सपोज तीन विंग्स इज इक्वल टू वन फैन, ये विंग्स नाम की रॉ मटेरियल का है। सिमिलरली नाइन नट बोल्ट्स इज इक्वल टू वन फैन, दूसरे मटेरियल का इनपुट आउटपुट रेशियो। तो मटेरियल वाइज होगा ये, बराबर। हर एक मटेरियल का फिनिश गुड्स के साथ लिंक होता है और उसके हिसाब से वो इनपुट आउटपुट रेशियो बनता है, बराबर है। तो ये इनपुट आउटपुट रेशियो हो गया। अब हमको क्या करना है कि जो प्रोडक्शन आया ना, इधर हमने कुछ प्रोडक्शन ढूंढा होगा, तो प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय इनपुट आउटपुट रेशियो मैं करता हूं तो मेरे को रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड मिलेगा। मीन्स सपोज मेरा इनपुट आउटपुट रेशियो 3 है और मेरे को 1000 फैन का प्रोडक्शन करना है, तो 1000 इनटू 3, सो 3000 मेरे को विंग्स कंज्यूम करने पड़ेंगे, बराबर है। तो अब चलो इसका प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट क्या आएगा, सॉरी परचेज बजट का फॉर्मेट क्या आएगा। अगर मेरे को प्रोडक्शन का डेटा है तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय इनपुट आउटपुट रेशियो, जिससे मेरे को मिलेगा रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम। अब आप सोचो एक रॉ मटेरियल अकाउंट है, उसमें ओपनिंग रॉ मटेरियल है, परचेज रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल है, ये कंजम्पशन है, तो हमको ये मिलेगा। अगर मेरे को ओपनिंग एंड क्लोजिंग मालूम है एंड कंजम्पशन मालूम है तो परचेज मालूम पड़ जाएगा। कंजम्पशन क्लोजिंग एंड ओपनिंग मालूम है तो परचेज बजट। अभी ये बजट कौन सा है, परचेज बजट मीन्स हमको ढूंढना ये है, तो ये दोनों के टोटल में से ये मैं माइनस कर दूं तो मेरे को परचेज बजट मिले। तो देखो कंजम्पशन तो आ गया, उसके अंदर मैं क्या ऐड करूं, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, एंड उसमें से मैं क्या माइनस करूं, ओपनिंग रॉ मटेरियल माइनस करूं, तो मेरे को रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड या फिर परचेज बजट मिलेगा, दैट इज सी प्लस डी माइनस ई। अगर ये दो मैं पहले यूज ना करूं, सीधा यहां से चालू करूं, टू बी कंज्यूम पहले से अलग ढूंढ लो, फिर इधर बी नाम दे दो, सी नाम दे दो, ये डी, डी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, वैसे ठीक है। अगर आप अलग से वर्किंग यहां से कर लेते हो तो फिर इसकी जरूरत नहीं रहेगी, बट इसी टेबल में आप इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो ऐसा होगा, ठीक है। तो परचेज बजट समझ में आ गया। तो हमारा सेल्स बजट था, प्रोडक्शन बजट था, परचेज बजट था। फिर ये तीन बजट के अलावा एक कंसेप्ट आता है फ्लेक्सिबल बजट का, इसका नाम क्या है, फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट में क्या आता है मालूम है, फ्लेक्सिबल बजट में ऐसा आता है कि कुछ एक लेवल पे हो, सपोज आप 60% कैपेसिटी पे हो, अब उसमें से आप 50% पे जाओ या फिर 80% पे जाओ, तो आपका बजट कैसे बनेगा, बराबर। तो फ्लिक्स बजट के बहुत सारे प्रकार है, उसमें फिक्स फ्लेक्सिबल इज वन ऑफ दैट। तो ये सपोज 60% पे आपने बनाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तीन प्रकार के खर्चे होते हैं, एक है वेरिएबल कॉस्ट, तो ये पर यूनिट सेम रहता है बट अमाउंट रुपीज में जो है वो चेंज रहता है। तो वेरिएबल कॉस्ट ना पर यूनिट सेम रहेगा बट अमाउंट के हिसाब से चेंज होगा, मींस ये वाला पर यूनिट ही इधर ले आना है और ये वाला पर यूनिट ही इधर ले जाना है, एंड फिर उसको यूनिट से मल्टीप्लाइड कर दो। 50% कैपेसिटी पे कितने यूनिट थे, 80 पे कितने थे उस। फिर दूसरा है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम रहता है, तो ये वाला ही फिक्स कॉस्ट इधर ले आओ, ये वाला फिक्स कॉस्ट इधर ले आओ, बट ये पर यूनिट जो है ये पर यूनिट फिगर चेंज होती जाएगी।
अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी 6 to 80 होगा तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी, एंड ये क्वांटिटी कम हुई तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज फिक्स कॉस्ट। एंड तीसरा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को स्कैटर्ड कर देना है वेरिएबल में और फिक्स में, वेरिएबल में ये वाली ट्रीटमेंट और फिक्स में ये वाली ट्रीटमेंट देनी। तो ये है आपका फ्लेक्सिबल बजट। फिर सॉरी, एक और कंसेप्ट है जिसका नाम है मास्टर बजट। क्या नाम है? मास्टर बजट। ये मास्टर बजट है ना, सच में कुछ ऐसा अलग नहीं है, बट मैं बताऊं आपको ये मास्टर बजट कैसे बनाना है। आपको ऐसे करना है कि सेल्स लिखना है, दैट इज रेवेन्यू लिखना है, सॉरी, उसमें से मेरे को कॉस्ट माइनस करनी है। कॉस्ट में तीनों कॉस्ट आ गई, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तीनों का टोटल टोटल कॉस्ट ये माइनस करना है, एंड फिर प्रॉफिट ढूंढना है। बस इसको मास्टर बजट बोलते हैं। बराबर। मीन्स अभी तक के ये वाले प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, ये सब में खर्चे का बजट था। फ्लेक्सिबल बजट भी खर्चों का होता है, बट ये फ्लेक्सिबल बजट में भी ये मास्टर वाला कंसेप्ट आ सकता है। मैं यहाँ रेवेन्यू भी दे दे 50, 60 और 80 में, तो ये खर्चे तो ऐसे लिखे, बट अब चौथा नंबर क्या आएगा यहाँ? चौथा नंबर टोटल कॉस्ट का आएगा, 1 + 2 + 3। फिर पांचवा नंबर सेल्स का आ सकता है, एंड छठा नंबर प्रॉफिट का भी आ सकता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 - 4, मीन्स सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। बराबर। तो देखो, सबसे पहले हमने सेल्स बजट से शुरू की, उसके कोई सब नहीं आएंगे। फिर प्रोडक्शन बजट, उसके आ सकते हैं। परचेज बजट आ सकते हैं। फिर फ्लेक्सिबल बजट पक्का आ सकते हैं। मास्टर बजट शायद आ जाए तो आ जाए। अभी एक और है, कैश बजट। कैश बजट बड़ा सिंपल है, उसके अंदर फॉर्मेट है ओपनिंग बैलेंस कैश की। फिर आप लिखोगे रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स के जितने भी इंस्टेंसेस बनने वाले हैं कैश रिसिप्ट्स के, वो आप लिखते जाओ, और एक लाइन लास्ट में छोड़ देना एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 5 6 अगर आ रहा है तो एक सातवीं लाइन छोड़ के ही टोटल करना। फिर आएगा पेमेंट। पेमेंट में भी ऐसा ही करना, जितने भी इंस्टेंसेस आप डिसाइड कर पाओ करो, 1 2 3 4 5, बट एक 6 नंबर का छोड़ दो एंड फिर टोटल करो। ये ऐसा ही छुड़ा हुआ है, ये भी ऐसा ही छुड़ा हुआ है, इसलिए छुड़ा हुआ है कि कभी भी हमको लोन लेनी पड़े या फिर लोन रिपे करनी पड़े तो ये रिसिप्ट पेमेंट। एंड डी के अंदर क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस, विच इज नथिंग बट a+b - c। मीन्स आपकी ओपनिंग बैलेंस थी, प्लस रिसिप्ट ऐड किया, माइनस पेमेंट किया, तो क्लोजिंग कैश। अब है ना, ये नॉर्मली पीरियड वाइज होता है। कैश बजट 3 3 महीने का होता है, कि सपोज जनवरी, फरवरी और मार्च का। कभी कभी 4 महीने का भी पूछ लेते हैं, 6 महीने का भी पूछ लेते हैं, 12 महीने का भी पूछ लेते हैं। आपको नॉर्मली 3 से लेकर के 4 महीने तक का मैक्सिमम हो सकता है। और कैश बजट के अंदर है ना बहुत सारे मुद्दे हैं छोटे मोटे जो हमको याद रखने हैं, पर्टिकुलरली जब आपको बजट बनाना है मंथली बट वीकली पेमेंट करते हो। जैसे कि ऐसा बोला गया है कि वेजिस का पेमेंट वीकली होता है। बराबर। वेजिस का पेमेंट वीकली होता है, सपोज ऐसा किया गया, तो आप कैसे करोगे वेजिस का कैलकुलेशन ही कैसे करोगे? तो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक करूंगा, एंड फिर यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च लिखूंगा। अब पहले का पेमेंट मीन्स जो भी आएगा मंथली, उसका 1/4 कर दो। फिर पहले का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, चौथे का नेक्स्ट महीने के मीन्स नेक्स्ट मंथ के पहले वीक में फर्स्ट। फिर इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, ऐसा करके चलता जाएगा। और फिर ये जो अमाउंट आए ना, ये वो आपको सीधी सीधी इधर लिखनी है पेमेंट। अगर सपोज क्वार्टरली ना हो, मीन सॉरी हर वीकली ना हो, 4 वीकली, बट फॉर एवरी हाफ मंथली हो, तो यहाँ फर्स्ट हाफ मंथ एंड यहाँ क्या लिखेंगे? सेकेंड हाफ मंथ, है
एंड फिर यहाँ जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी का जो पगार है डिवाइडेड बाय टू करो, फिर पहले हाफ महीने का इधर मिलेगा, दूसरे वाले का इधर मिलेगा, तो इसका इधर मिलेगा, इसका इधर मिलेगा, और यहाँ का इधर मिलेगा। ये जो है वो पिछले पीरियड का लाना है, जनवरी में दिसंबर वाले का पगार आएगा। तो आपको नॉर्मली 1 महीने बिफोर की और 1 महीने आफ्टर की इंफॉर्मेशन दे देते हैं। फिर यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है सेल्स की। सेल्स में पहले तो कैश सेल्स होता है, दूसरा क्रेडिट सेल्स होता है। सपोज आपको 1 लाख सेल्स दिया है जनवरी का, जिसमें से सपोज 20,000 कैश सेल्स है तो 80,000 क्रेडिट सेल्स है। अब सपोज इसमें ऐसा बताया है कि इसमें 40% 40% एंड 20%, ये 40% नेक्स्ट में, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट में, एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ऐसा है तो क्या करोगे? तो जनवरी की इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगी वो जरा देखो। चलो 6 महीने का बजाना बनाना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने तक जाएगी। अब यही 1 लाख में से पहले हम लिखेंगे कैश, दूसरा लिखेंगे क्रेडिट। अब जनवरी महीने में 20,000 इधर आएगा, फिर यहाँ डैश 40, सॉरी ये 80,000 का 40% मीन्स 32,000, 32,000 इधर, 32,000 इधर, एंड 16,000 इधर। ये सब कौन से महीने की इम्पैक्ट है? जनवरी की। बराबर। फरवरी महीने का क्या होगा? चलो फरवरी महीने का है, फरवरी का सपोज 1,10,000 है, 1,10,000 का 20%, 22,000 इधर, बाकी का बचा कितना है? 88,000, है ना? 88,000 का फिर सेम 40%, 40%, 20%, जो भी आएगा यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, एंड आगे मई महीने में भी जाएगा। तो ऐसा करके आपको करना है। तो ये बजट में इतना है, जो मेन मेन मुद्दे थे वो मैंने आपको बता दिए, पर्टिकुलरली ये कैश बजट के। बराबर। फिर फ्लेक्सिबल बजट का मुद्दा समझा दिया। सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलने की जरूरत नहीं, हमने कल पढ़ लिया है, एंड ये दूसरे अलग अलग प्रकार के बजट हमने देख लिए। बराबर है। तो ये बजेटरी कंट्रोल बेसिकली इट्स अ कंट्रोलिंग टेक्निक। ये बजट क्यों बनाते हैं हम? तो भाई कंट्रोल करने के लिए। व्हाट यू वांट टू कंट्रोल? तो यू वांट टू कंट्रोल द टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट के लिए आप पहले बजट बना दो, फिर बजट के सामने एक्चुअल देखो, ज्यादा हो रहा है तो फिर उसको सवाल पूछो कि भाई क्यों ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है तो भी पूछो कि भाई क्यों कम हो रहा है, तो उससे आपको क्या रीजंस मिलेंगे। तो ये था आपका बजेटरी कंट्रोल। अब बजेटरी कंट्रोल में है ना, ग्रुप वन में मैं बताऊं कि इतने ज्यादा हैवी या डिफिकल्ट सम्स नहीं होते हैं। रीजन ये है कि भाई बजेटरी कंट्रोल 30 मार्क के अंदर है ना, वो भी उसका वेटेज 10 मार्क से ज्यादा नहीं है, तो 30 मार्क में 3 चैप्टर है। बट ग्रुप टू में अब तो आपका कॉस्टिंग न्यू सिलेबस में अगर जाए हम तो कितने मार्क का होगा? 80 मार्क का होगा कॉस्टिंग, एंड एफएम 100 मार्क का। अब ये कॉस्टिंग के अंदर 75 to 80 मार्क्स का स्टैंडर्ड मार्जिनल बजेटरी एबीसी, ये 4 चैप्टर का ही वेटेज है न्यू कोर्स, तो इसमें से 20 मार्क के सम्स ग्रुप टू में आएंगे। तो ग्रुप वन में आप समझ लो कि उतना बड़ा नहीं आएगा। ग्रुप टू में चांसेस है बजट के 16 मार्क के बड़े बड़े सम, इधर 8-8 मार्क से ज्यादा सम्स नहीं आएंगे। बराबर है। तो फायदा अब है ना, इसके अंदर एक एक सम है, एक मिसलेनियस सम भी आता है, इसके अंदर एक कॉस्ट शीट का भी सम रखा है। बट मेरे को एक मुद्दा बताना है, फ्लेक्सिबल बजट में एक कंसेप्ट था कि जिसके अंदर है ना एफिशिएंसी रिलेटेड बात बताई थी, कि सपोज आपका मटेरियल था, ये आपका लेबर था, ये आपका ओवरहेड था, ये आपकी टोटल कॉस्ट था, ये आपका प्रॉफिट था, ये सेल्स था, ये ईयर वन का था। अब ईयर टू में जा रहे हो तो मटेरियल में उन्होंने बोला कि भाई सपोज ये पुराना जो 1 लाख था, तो 1 लाख में सबसे पहले क्वांटिटी इंक्रीज, तो 120%, 20% क्वांटिटी बढ़ गई, फिर मटेरियल की प्राइस भी बढ़ गई, प्राइस कितनी बढ़ गई? वो 25% बढ़ गई, तो 125%। तो ये क्वांटिटी और ये प्राइस इंक्रीज ये हमको देना है।
लेबर में भी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ क्वांटिटी इंक्रीज तो आएगा ही आएगा, बट रेट इंक्रीज, सपोज वेट रेट इंक्रीज 10% है, बट उन्होंने बोला कि एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई, तो ये क्वांटिटी इंक्रीज था, ये रेट था, अब ये एफिशिएंसी की बात आ रही है। एफिशिएंसी में क्या करने का, न्यूमरेटर में 100 और डिनोमिनेटर में 100 रख ही देने का। अब जो इन डिक्रीज हुई है तो डिनोमिनेटर में माइनस करना है, कितना डिक्रीज हुआ है 20%, तो 20% इंक्रीज हुई है तो प्लस कर देना जो भी है। तो ये हमको ये एफिशिएंसी वाला कंसेप्ट है ना याद रख, बराबर है। तो ये जो अभी मैंने डिस्कशन किया सिर्फ इसको आप ध्यान में रखोगे तो मेरे हिसाब से काफी है। हाँ, एक और कंसेप्ट है इधर, जीरो बेस बजट नाम है। क्या नाम है? जीरो बेस बजट। इसमें क्या होता है कि हर बार आप स्क्रैच से शुरू करते हो, मीन्स ऐसा समझ लो पहली बार, सपोज आप बड़ौड़ा में रहते हो, एकदम से आप सपोज इंदौर शिफ्ट हो जाए तो वहां आपका मंथली कितना खर्चा होगा, आप सोचोगे मंथली बजट बनाओगे तो बराबर है, नई जगह जाते हो तो बजट बनाते हो कोई नदी, बट सपोज वहां आप 10-15 सालों से रह रहे हैं या फिर बड़ौड़ा में अभी 20 साल से रह रहे हैं, हर बार आपको आपके पापा पूछे चलो ये महीने का पूरा बजट बना के दो, उसमें बहुत सारी चीजें, पिछले महीने में दूध का खर्चा था, पिछले महीने में काम वाली बाई का खर्चा था, पिछले महीने में आपका सपोज टेलीफोन बिल था, अपने इंटरनेट का बिल था, सब था, तो वो सभी का वापस से जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा अगर जीरो बेस बजट बनाते हो तो। बाकी जीरो बेस बजट नॉर्मली फॉलो नहीं करते, वैसे बहुत अच्छी टेक्निक है, बट इसमें हर बार हर एक खर्चे के बारे में यू हैव टू जस्टिफाई, जीरो है बेस ऐसा मान के चालू करो हर बार नए से। अब उसमें जो सीनियर या मोस्ट एक्सपीरियंस बजट का जो बंदा होगा ना, उसको हर बार हर एक खर्चे के बारे में एक्सप्लेनेशन देना बहुत टफ लगेगा, सो दैट इज वाई एक्सपीरियंस लोग इसका विरोध करते हैं। बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां ये लाने का सोचती है, बढ़िया ना, बहुत हेक्टिक काम हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि हर एक चीज को वापस से जस्टिफाई करना पड़ता है, क्यों भाई मटेरियल का खर्चा क्यों इतना, जस्टिफाई करो, बट सर पिछले महीने हमने 1 लाख यूनिट बनाए थे, इस बार 1,10,000 है, तो हमको प्रोपोर्शनेटली 10% तो ज्यादा मटेरियल चाहिए ना, क्वांटिटी वगैरह, बट तू जस्टिफाई कर, लिख ऐसा बता, हर एक का रीजन बता, और रीजन नहीं बता पाया तो मैं बजट सेंक्शन नहीं करूंगा। तो ये भी जीरो बेस बजट है, डेंजर चीज है हर एक को पूछने का। आप सोचो ना, आपको मंथली पापा 2,000 रुपये दे देते हैं सपोज पॉकेट मनी में, एंड फिर पूछते कुछ नहीं, बचे तो आपके पिन में, बट सपोज कल से पापा ने पूछना चालू कर दिया, चल तेरे कितने रुपए खर्च हुए बता, हिसाब लिख, 15 रुपए का पानी पूरी, 20 रुपए का पानी पूरी, 30 रुपए का दाबेली, ये वो, फिर पापा बोलेंगे भाई तू खा भी बहुत ज्यादा रहे, है ना, रहने दे, फिर वो बजट कम कर देंगे और उसमें देखेंगे भाई 800 रुपए में ये बंदे का तो हो जाता है तो मैं 2,000 क्यों दूं। ऐसा भी कर सकते, कभी कभी ऐसा भी होगा कि यार ये बंदे का 2,000 का मैं दे रहा हूँ बट खर्चे तो देख उसके 2,500-2,600 है, तो 600 रुपए कहाँ से लाए, चोरी वोरी तो नहीं कर रहा है ना, ये सब भी हो सकता है। तो ये मुद्दा है जीरो बेस बजट का। आई थिंक बजेटरी कंट्रोल में मैंने बातें बता दी है, अब आपको एग्जाम्पल्स में कुछ यूनिक एग्जाम्पल्स हैं, उसमें एक सम 4 क्वार्टर वाला सम है, क्वार्टर 1, 2, 3, 4 वाला, और वो सम के अंदर है ना आपको बहुत डेंजर चीज दी है, क्या मालूम क्या दिया है मालूम, ओपनिंग का एंड क्लोजिंग का स्टॉक दिया है फिनिश गुड्स का, एंड फिर उसके बेस पे सब कुछ दिया है, उसमें पहले 3 क्वार्टर का मीन्स पूरे साल का जो परचेस करना है ना, पहले 3 क्वार्टर में ही परचेस कर लेते हैं, और उसमें कुछ पहले में 50%, दूसरे में 30%, तीसरे में 20%, ऐसा कुछ परचेस करते हैं, स्टॉक रहता है, बहुत विचित्र सम है, मैं आज सम सॉल्व कराने के उसमें नहीं हूँ, बट वो सम, वो वाला सम आप देख के जाना। दूसरा जहां लेबर का ये जो एफिशिएंसी प्लस माइनस होता है, ऐसा एक सम है, वो देख के जाना। फिर एक सम ऐसा है, सुनिएगा आप, जरा सुन लीजिए, आपको याद रहेगा और ये सब रिकॉर्डिंग में रहेगा। एक सम ऐसा है जिसमें ऑन ऑर्डर करके दिया है, मीन्स ओपनिंग स्टॉक दिया है 5,000 का और बोला है कि 2,000 ऑन ऑर्डर, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 10,000 का एंड फिर बताया ऑन ऑर्डर, उसका मीनिंग क्या कि ये इतना स्टॉक पड़ा है बट बाकी का ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है आने वाला है तो वो ओपनिंग में ऐड कर दो, सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक लिखा है बट ऑन ऑर्डर 5,000 दिया अलग से तो वो आप वो भी क्लोजिंग में ऐड कर दो। ऑन ऑर्डर मीन्स ऑर्डर दे दिया है, आना या जाना बाकी है,
बराबर है ना, तो उसको ऑन ऑर्डर बोलते हैं, उसकी सेम ट्रीटमेंट है ओपनिंग क्लोजिंग जैसे, बाकी का कुछ नहीं है उसके अंदर, बराबर है। तो ये वाले सम है। कुछ सम्स में क्या होगा कि आपको ये बजट ढूंढ के मटेरियल लेबर ओवरहेड सबका टोटल करके फिर टोटल कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा, या फिर फैक्ट्री कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा, ऐसा भी आता है। बजट का यूज करके आप फैक्ट्री कॉस्ट ढूंढो, ठीक है। बट ध्यान से देखना प्रोडक्शन बजट है या सेल्स बजट है, सॉरी प्रोडक्शन बजट है या परचेज बजट है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, प्रोडक्शन की क्वांटिटी दे दे मींस फिनिश गुड्स की, और वो रॉ मटेरियल की समझ के बैठ जाए तो वहां लोचा हो जाएगा, वहां बीच में इनपुट आउटपुट रेशियो होता है। तो कुछ टिपिकल सम्स है इसके अंदर, आपको देखने हैं, बट मैंने जो मुद्दे बोले उससे ज्यादा कुछ मुद्दे है नहीं, बराबर। तो इतने मुद्दे को आप देख लेना, आपका बजटरी कंट्रोल हो जाएगा।